तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के बीच चीन से मोदी सरकार को लगा झटका। चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकते हुए अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के बदले नाम मोदी अमित शाह के उड़े होश। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपने देश का हिस्सा। कुरान शरीफ जलाकर बार बार इस्लाम का अपमान करने वाले सलमान मोमिका की संदिग्ध अवस्था में स्वीडन में मौत, इस्लाम की हुई बड़ी जीत। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी को लगा झटका। 5 साल बाद फिर आरजेडी में लौटे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, चतरा से आरजेडी दे सकती है टिकट। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से शिवपाल यादव ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, बेटे आदित्य को मैदान में उतारने की कही बात। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत, बीजेपी के लिए झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामे को किया खारिज। 10 अप्रैल को पेश होने का कोर्ट में दिया आदेश। केंद्र की मोदी सरकार की भी लगाई फटकार। गाजा पट्टी में इजराइल की सच्चाई दिखाने वाले अल जजीरा न्यूज चैनल को इजराइल की सरकार ने इजराइल में किया बैन। संसद से अल जजीरा न्यूज चैनल के खिलाफ कानून किया पारित। पीएम नेतन्याहू ने अल जजीरा न्यूज चैनल को बताया आतंकवादी चैनल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले चीन से मोदी सरकार को लगा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकते हुए 30 जगहों के बदले नाम मोदी सरकार के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में लोकसभा चुनाव से पहले चीन से मोदी सरकार को झटका लगा है। चीन ने ऐसा काम कर दिया है कि मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकते हुए अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं और इसकी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है। चीन ने कई बार दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश उसके देश का हिस्सा है और भारत ने जबरदस्त अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर रखा है। वहीं आपको बता दें कि अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकते हुए अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं, जिससे मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान जलाकर बार बार इस्लाम का अपमान करने वाले शख्स की मौत। जय दोस्तों आपको बता दें कि कुरान शरीफ जलाकर बार बार इस्लाम और पैगम्बर मोहम्मद का अपमान करने वाले शख्स सलमान मोमिका की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। सलमान मोमिका वो शख्स था जो स्वीडन में बार बार कुरान शरीफ जलाता था, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमान आग बबूला हो जाते थे और प्रदर्शन करते थे। इराक के रहने वाले सलमान मोमिका, जो पहले इराकी मिलिशिया में था, बाद में इस्लाम का कट्टर आलोचक बन गया और उसने कई बार कुरान शरीफ को जलाया और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान दिए थे, लेकिन आज उसकी मौत हो गई। अभी तक इसकी मौत के बारे में पता नहीं चला है कि आखिरकार इसकी मौत क्यों हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बीजेपी को लगा का 5 साल बाद फिर आरजेडी में लौटे बीजेपी नेता। जदोसा आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार बीजेपी के विधायक रहे गिरिराज सिंह 5 साल के बाद बीजेपी छोड़कर आज फिर से आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें चतरा से मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को पटना स्थित आरजेडी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने उनका पार्टी में स्वागत किया। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में चतरा संसदीय सीट से पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव का बदायूं से चुनाव लड़ने से इनकार, बेटे आदित्य को उतारने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी शिवपाल यादव ने अपना नाम वापस ले लिया है और उन्होंने बदायूं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने स्थान पर बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के बबराला में मंगलवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने इसकी घोषणा की है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव ने मुझको बदायूं लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बदायूं लोकसभा सीट से लोग की मांग है कि शिवपाल यादव नहीं बल्कि बेटे आदित्य को वहां से उतारा जाए। वहीं आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने फिलहाल अखिलेश यादव पर फैसला छोड़ दिया है। अगर अखिलेश यादव आदित्य यादव को टिकट बदायूं से देते हैं तब बदायूं से आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, वरना शिवपाल यादव ही बदायूं से चुनाव लड़ेंगे।
फिलहाल शिवपाल यादव ने बदायूं से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत, भाजपा के लिए झटका। जदोसा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राहत देते हुए मंगलवार को जमानत दे दी। इससे पहले ईडी ने कहा था कि अगर सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। राज्यसभा सदस्य को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थोड़ी राहत मिली है, जिससे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत शीर्ष नेता मामले के सिलसिले में जेल में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के माफीनामा को किया खारिज, 10 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। जदोसा आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े अवमानना के एक मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण के माफीनामे को मंगलवार को दिखावा करार देते हुए उसको खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमातुल्ला की पीठ ने माफीनामा खारिज करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव को फटकार लगाई और कहा कि हमें आश्चर्य है कि भारत सरकार ने इस मामले में अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है और बाबा रामदेव को 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। केंद्र की मोदी सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि बाबा रामदेव खुलेआम गलत विज्ञापन देश में चला रहे थे, लेकिन केंद्र की सरकार ने इस पर रोक नहीं लगाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा रामदेव को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में मची भगदड़। अजय निषाद कांग्रेस पार्टी में शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मची हुई है। जिन बीजेपी के नेताओं को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है वो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं। ऐसा ही बिहार में हुआ है। बिहार में बीजेपी के लंबे समय के साथी अजय निषाद 2 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें मुजफ्फरपुर से पार्टी ने अपने 2 बार के सांसद अजय निषाद का टिकट काट दिया। उनकी जगह पर 2 साल पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले बीआईपी के पूर्व नेता राजभूषण चौधरी को टिकट दिया। अजय निषाद ने इसे विश्वासघात करार दिया और इसी नाराजगी चलते उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार को बड़ा झटका। एयरटेल से जियो तक टेलीकॉम कंपनियों को सरकार का बड़ा ऑर्डर, बंद करनी होगी कई सुविधाएं। जो दोस्तों आपको बता दें कि देश में एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स के स्मार्टफोन पर कॉल फॉरवर्ड करने का तरीका बदलने जा रहा है। दूर संचार विभाग ने एयरटेल और रिलायंस जियो सहित दूर संचार कंपनियों को 15 अप्रैल से यूएसएसडी कोड का उपयोग करके कॉल फॉरवर्डिंग बंद करने का आदेश दिया है। यूएसएसडी कोड छोटे कोड होते हैं जिन्हें मोबाइल उपयोगकर्ता फोन का बैलेंस या IMEI नंबर जानने के लिए डायल करते हैं। हालांकि ये एक सुविधा है, दूर संचार विभाग का मानना है कि इनका उपयोग ऑनलाइन घोटालों और मोबाइल फोन से संबंधित अपराधों के लिए किए जाने की संभावना है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तिहाड़ जेल में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, तो अतिशी ने किया दावा 4 और आम आदमी पार्टी के नेता हो सकते हैं गिरफ्तार। जो दोस्तों आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सलाखों के पार पहुंच गए हैं। अतिशी 2 अप्रैल को मीडिया के सामने आई। उन्होंने दावा किया है कि उनके मुताबिक आने वाले दिनों में 4 और नेताओं पर ईडी शिकंजा कस सकती है और इन्हें जेल भेज सकती है। अतिशी, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और राजेश सांता रागा चड्डा भी ईडी सीबीआई की लिस्ट में है। अतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज ने इस ओर इशारा किया है कि अगर ऐसा होता है तो क्या कमान सुनीता केजरीवाल को थमाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की सच्चाई दिखाने वाले अल जजीरा न्यूज चैनल को इजराइल की सरकार ने अपने देश में किया बंद, संसद में कानून किया पास। जदोसा आपको बता दें कि गाजा पट्टी में यहूदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सच्चाई दिखाने वाले अल जजीरा न्यूज चैनल को इजराइल की सरकार ने इजराइल में बंद करने का फैसला लिया है। अल जजीरा न्यूज चैनल को बंद करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संसद में एक कानून पारित किया है और इस कानून के पारित होने के बाद
इजराइल में अब अल जजीरा न्यूज चैनल के जितने भी ऑफिस हैं, जितना भी अल जजीरा न्यूज चैनल का काम है वो इजराइल में अब नहीं हो पाएगा। वहीं आपको बता दें कि अल जजीरा न्यूज चैनल के खिलाफ संसद में कानून पारित होने के बाद इजराइल के आतंकवादी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अल जजीरा न्यूज चैनल को आतंकवादी चैनल बताया है और कहा है कि ये हमारे खिलाफ झूठी खबरें चलाता है जो कि निंदनीय है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।